तो शाहिद कपूर ने लव तो कर लिया रोबोट के साथ, पर वो लव कैसा था आइए जानते हैं इस रिव्यू में। तो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, एक तो ये नाम इतना बड़ा है कि मैंने टिकट काउंटर पे जैसे ही बोला तो टिकट काउंटर वाली भी हंसने लगी, अरे वैसे नहीं। तो चलिए बिना स्पॉयलर्स के स्टार्ट करते हैं। इसका बेसिक प्लॉट यह है कि शाहिद कपूर के घर वाले बहुत शादी शादी के लिए बोलते रहते हैं, और आपको ही पता है जब एज हो जाती है तो घर में ये बात बोली जाती है। अब इससे बचने के लिए वो रोबोट का सहारा लेते हैं, और रोबोट है कृति सैन, और कृति से हो जाता है इनको प्यार। अब फिर वही क्लासिक इंडियन फैमिली ड्रामा और साथ में रोमांस कॉमेडी। एक कंपैरिजन दो तो लव रंजन की तू झूठी मैं मक्कार में आप रोबोट को डाल दो तो आपको कुछ वैसी वाइब्स और वैसी फीलिंग आने वाली है, पर वो मूवी हमें थ्रू आउट एंटरटेन रखती है, हाँ एक दो पॉइंट्स को छोड़ के, पर ये फिल्म उतना नहीं कर पाती है क्योंकि इस फिल्म में है कुछ कमियाँ। उससे पहले मूवी की अच्छी बातों पर बात करते हैं। सबसे पहले तो कृति सैनन, बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस लगी, फुल टाइम एक रोबोट का एक्ट करना, और वो क्रिंज वाले तरीके से नहीं अच्छे वाले तरीके से, और उन्होंने ऐसे किया है जो परफेक्टली डिफाइन करता है कि हाँ एक एडवांस रोबोट कैसा हो सकता है। फिर शायद कृति की केमिस्ट्री, अब रोमांस मूवी है तो ये वाला पॉइंट ना होता तो बहुत दिक्कत हो जाती, पर आपको फील होगा कि शाहिद कपूर सच में प्यार करने लगे हैं, उन दोनों का स्माइल करना, वो अच्छी वाली बातें आपको सब हिट करती हैं। गानों की बात करूँ तो तीनों गानों में मज़ा आया, ज़्यादातर मूवीज़ में गाने फ्लो ब्रेक करती हैं पर यहाँ पे मूवी का एक्सपीरियंस एनहांस करती हैं। अब चलिए थोड़ी कमियों की बात करते हैं। मूवी की लेंथ मुझे थोड़ी ज़्यादा लंबी लगी क्योंकि ख़त्म होते होते एकदम एग्जॉस्ट हो गया था और थोड़े थकने लगा था, तो मे बी ये रीज़न था। शायद कृति के अलावा बाकी सबके सीन्स ज़्यादा मज़ेदार नहीं हैं, बस ओके इश फील देते हैं, खास करके वो फैमिली ड्रामा। एक रोबोट वाले कॉन्सेप्ट को आप लेके चल रहे हो तो कॉन्सिक्वेंसेस को भी डिफाइन करना चाहिए, इससे मूवी दूर भाग जाती है और उसका पोटेंशियल हमें कहीं ना कहीं दिखता है पर वो फुली यूटिलाइज नहीं होता है। और लास्ट में एंडिंग बहुत ही ज़्यादा एब्रप्ट है, विदाउट एनी रीजनिंग और एक्सप्लेनेशन, और बस ऐसे एंड हो जाती है। पर लास्ट सीन अच्छा लगा, एक माइल्ड स्पॉयलर दूंगा कि अगर मूवी ने अच्छा बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर ली तो सीक्वल आएगा। तो यही था तेरी बातों में ऐसे उलझा जिया का रिव्यू, और इस मूवी को मैं रेट करूंगा 6.5 out of 10। अगर आपने मूवी देख ली है तो नीचे कमेंट्स में बताइए आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंदाज़ हो।